कोई रेस अगेंस्ट टाइम नहीं था, 5 मिनट पड़े, 5 मिनट पहले पहुंच गए, लेकर आते हैं एमी को, सुपर एक्साइटेड टू सी उसका क्या रिएक्शन होगा अपने सारे गिफ्ट देखकर, पर शुरू शुरू में पहले तो उसको पागल बनाऊंगी। Emma, I have something for you. Chocolate. थोड़ी सी मैंने खा ली. Toy? नहीं, toy तो नहीं लेके आई, मैं सारा टाइम यही पढ़ती, मैं तो आपकी क्लास ही देख रही थी पूरा टाइम. अभी तो बंद हो गया. ओ कोई बात नहीं, फिर ले देंगे. और चाहिए तो चलो अभी तो घर चले, ठीक है. I have a surprise for you. वो surprise है जो आपने expect भी नहीं किया होगा. आपने मांगा भी नहीं था, वो बहुत पहले मांगा था, मतलब अभी नहीं मांगा था. Tell me how you like it. आंखें बंद करो. Cracks. Yeah. लेकिन ये वाले क्रॉक्स थोड़ी चाहिए थे. अच्छे नहीं लगे. अच्छे नहीं लगे. लेकिन क्रॉक्स हैं. हाँ क्रॉक्स हैं, वो भी फिजेट्स पे लगे हुए हैं. इसके ऊपर क्या कहते हैं इसको, फिजेट्स कहते हैं, चार्म्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जिबिट्स. अच्छा भाई जिबिट्स कहते हैं. देखो मैं तो जिबिट्स लगवा कर लेकर आई हूँ उस पे. लेकिन मेरे को ये वाले जिबिट नहीं चाहिए. मैं तो इतनी एक्साइट होके लेकर आई थी एमी. लेकिन मेरे क्रॉक्स है. एमा दिस इज नॉट सो फेयर. मम्मा इतना दूर जाके आपके लिए इतने सुंदर क्रॉक्स लेकर आई और आप ऐसे. चलो आइस बंद करो. ये देखो. आपको ऐसा पेंसिल बैग चाहिए था ना. बताओ यार, $40 के क्रॉक्स इतना खुश नहीं कर पाए जितना ये $2.50 के बैग ने कर दिया. चलो आइस बंद करो. आइस बंद करो. अच्छा देख के लिए कैसे है? बहुत क्यूट है. अच्छा लगा. ओके आइस बंद करो. आइस चटडे. गई थी. अब ये पहनेगी कि वापस करवाएगी? वापस करा सकते हैं. करा सकते हैं, मगर उनके पास इससे बेटर क्रॉक्स नहीं थे. अब वो जो तो सैड था कि वो रेस पे नहीं गया, वो सब खत्म हो गया. और मम्मा मेरे को आज शेल भी मिलाई. चल एक बड़ी सी स्माइल करके दिखा दे सबको. चलो लेट्स गो होम. वो रिएक्शन नहीं मिला मेरे को जो मेरे को चाहिए था, बट इट्स ओके. देखो मैजिक मिक्सी से ज्यादा खुश हुई है ये क्रॉक्स के बजाय. ना ही लेती मैं तो क्रॉक्स फिर, बट ये सबसे अच्छे लगे थे मुझे वहां पर जितने भी क्रॉक्स थे. लेट्स सी, घर जाके इसको पहना कर देखते हैं. ये ना फ्लीस वाले क्रॉक्स हैं, तो ये जो नॉर्मल क्रॉक्स हैं उससे बेटर है. बाकी सर्दियां आ रही हैं तो फ्लीस वाले ज्यादा अच्छे से काम करेंगे. तो लेट्स सी घर जाके देखते हैं. नहीं जी अब तो मिलेंगे भी नहीं. देखना गाइस इतने सुंदर क्रॉक्स लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार. पर हमें पसंद नहीं आए हैं. ये दोनों ही बाप बेटी को पसंद नहीं आए हैं. हमें पसंद नहीं आए हैं. नहीं पसंद नहीं आया हमें. प्लीज हमें चेंज करने हैं. भाड़ में जाओ दोनों, अब मिलेंगे भी नहीं. ठीक है ये मिल तो गए थे. ये मौके पे चौका होता है. आज मौका था तो मैंने चौका मारा. अब ऐसे थोड़ी कहते मैं पापा के साथ छक्का भी मार दूंगी. मतलब 6 स्कोर कर दिया. मम्मा कह रही अब नहीं मिलेंगे. बस अब जो मिल गया मिल गया. बहुत सारी चीजें मिल गई आज. ये भी मिला था इसको, अमृता ने दिया था. कहती आपने अमृता को लेने दिया, मेरे लिए मना नहीं किया. अब कुछ नहीं मिलेगा बस. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. तो भैया चलते फिरते दोबारा थर्सडे आ गया है, मतलब एक दिन और फिर वीकेंड. और मेरा आज 3x3 हो रहा है. मंडे को शिल्पा ऑफिस गई थी एंड देन ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 3x3 डन है. सुबह सुबह उठकर ना वैसे अच्छा लगता है. आजकल मौसम भी बड़ा अच्छा है. सुबह हल्की हल्की ठंड होती है. इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट योर डे. आज एमी के स्कूल में है फोटो डे, तो शिल्पा को मैं बोल कर आया हूँ कि एमी को जल्दी उठा देना ताकि उसको अच्छे से आराम से रेडी करके उसकी 2 चोटियां बनाकर उसका स्कूल भेजेंगे ताकि अच्छी सी फोटो आए. वैसे मुझे भी आज जल्दी निकलना है क्योंकि आज है हमारा कैनेडियन मॉर्गेज एसोसिएशन का एक समिट है टोरंटो में.
तो आज हमने वहां पर जाना है, पूरी टीम ने जाना है एंड इट्स इन द डे टाइम, तो अभी ऑफिस पहुंचकर सीधा वहीं के लिए निकलेंगे और फिर लंच करके फिर वापस ऑफिस आएंगे। तो शिल्पा के हो गए मजे, उसको मेरे लिए लंच नहीं बनाना आज। वैसे आपको वो बताना भी भूल गया मैं कि हमारा जो ऑटवा वाला समिट था उसमें क्या हुआ। दैट वाज नॉट एक्चुअली अ समिट, दैट वाज अ रिसेप्शन व्हिच वाज होस्टेड बाय मॉर्गेज प्रोफेशनल्स कनाडा। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। व्हाई वी वेंट सो फार, बिकॉज इट वाज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मीट एमपीज एंड पॉलिसी मेकर्स। तो वहां पर अभी सारे जो मॉर्गेज इंडस्ट्री से, हाउसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एमपीज है ना, उनके साथ हम मिले, उनके साथ अच्छी खासी बातचीत हुई, डिस्कशंस हुई अबाउट दी हाउसिंग मार्केट क्राइसिस एंड देयर वर टू थ्री थिंग्स जिसपे हम एक्चुअली उनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहते थे, इसीलिए हम सारे साथ गए थे। चलो अब मेरा जिम आ गया, जिम से जब वापस आऊंगा ना तो आपको बताऊंगा। तो आज शिल्पा ने टाइम पे उठ के एमी को अच्छे से रेडी कर दिया, उसकी दो चोटियां बना दी है मेरी रिक्वेस्ट पे। तो दिखाना एमी दो चोटी में कैसे लग रही हो। नहीं, मेरा रिक्वेस्ट पे। अच्छा आपकी भी ये रिक्वेस्ट थी, मैंने ही मम्मा को बोला था। सी लेकिन मैंने आपको बोला था कि पापा मेरा ना दो पिंटल बनाते, आपको पता है पिया पिंटल क्या होता है, मैं ना उनमें बहुत क्यूट ही लगती हूँ। अच्छा पिंटल तो मुझे नहीं पता क्या होती है। अच्छा इसी को पिंक टेल्स बोलते हैं। हाँ तो फिर मुझे पता है क्या होती है, मुझे पता है कि आप इसमें बहुत क्यूटी लगते हो। चलो गाइस आपकी फरमाइश पे आज एमी सिर्फ हिंदी में बात करेगी, राइट एमी। चलो जी हम स्कूल पहुंच गए हैं, एमी को ड्रॉप करके फिर आपसे मिलते हैं, लेट्स गो। हे गाइस कैसे आप सब लोग भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे आप वीडियो शुरू कर चुके हो ना। यस मेरा भी वेलकम ले लो यार, क्या हो गया। आज ना मैं अमित से बात कर रही थी कि क्या चीज है ऐसी हमें जो आपने लाइफ में ना कभी भी नहीं करी है, कभी भी नहीं करी। तो जो अमित ने मुझे आंसर दिया, मैंने मुझे आंसर दिया, मैं आपसे बात करते हैं कि ऐसी कोई एक चीज जो कि बड़ी कॉमन है, बड़े सारे लोग करते हैं, कई लोग तो डेली बेसिस पे भी करते हैं, बट आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं किया। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं ना, मैंने कभी भी अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाया है। और ये बात मैं अमित को बता रही थी क्योंकि अमित ने ग्लासेस लगाने शुरू किए ना, मेरी शादी हुई है ना उसके बाद से लेकर अभी तक, मतलब 4-5 महीने पहले तक, मैंने अमित को एवरी सिंगल डे कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाते हुए देखा है और मैंने कभी भी नहीं लगाए, कभी, मतलब मेरी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेस में टच भी नहीं हुए। इनफैक्ट आजकल तो इतना कॉमन है कि अगर आप सलोन वगैरह पर तैयार होने जाते हो इंडिया में तो वो लोग भी कलर्ड लेंसेस लगाते हैं, किसी की आंखें नीली कर देते हैं, किसी की आंखें। मैं कल एमी को ना स्कूल में उसका लंच बॉक्स देने गया था, शिल्पा ने सुबह पैक नहीं किया था, तो मैं, मतलब शिल्पा ने सोचा था कि उसको फ्रेश लंच देंगे, तो मैं ऑफिस जाते हुए लंच बॉक्स देने गया। और वो जो रिसेप्शन पे वो लड़की होती है ना, उसको मैंने लंच बॉक्स दिया और उसको बोला कि ये एमी को देना है। तो कहती एंड मे आई प्लीज आस्क हु आर यू, मैं कहा आई एम हर डैड, ऐसे हैरान है। कहती ओ आई थिंक यू हैव न्यू ग्लासेस। उसने भी अहमद को कभी ग्लासेस के साथ ही देखा था। तो अमित ने अब ग्लासेस लगाने शुरू किए जब डॉक्टर ने मना किया है कि आप इतने कॉन्टैक्ट लेंसेस लगा रहे हो कि आंखें आपकी ड्राई हो जाएंगी। तो अमित ने ग्लासेस लगाने शुरू किया, ग्लासेस लगाने ऐसे शुरू किए, कॉन्टैक्ट लेंसेस बंद कर दिए। बट आई एम द वन जिसने कभी सलोन से वो कलरफुल लेंसेज नहीं लगवाए, कभी वो नंबर वाले लेंसेज नहीं लगाए, कॉन्टैक्ट लेंसेज ना मुझे लगाने आते ना मैंने कभी टच किया। तो ये मेरा चीज है, अमित की ये चीज है कि अमित कहते मैंने लाइफ में कभी भी स्मोक नहीं किया। तो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है, मैंने भी लाइफ में कभी भी स्मोक नहीं किया, कभी, मतलब मुंह से भी नहीं लगाया, मैंने लाइफ में कभी भी साड़ी भी नहीं पहनी। तो गाइस प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आपने लाइफ में कभी भी नहीं करी है और आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स या और लोग वो चीज बड़ी रेगुलरली करते रहते हैं। देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आंसर आने वाले हैं। अगर आपने पार्टिसिपेट किया इस गेम में तो मजे आएंगे कॉमेंट्स पढ़ने में। आपका यही है कि आपने कभी स्मोक नहीं किया? मैंने स्मोक किया है क्योंकि मुझे ना मेरे डैड ने एक बार बोला था कि लाइफ में ना हर चीज को एक बार ट्राई जरूर करो, और एनी भी ये पकड़ कर बैठी हुई है। तो मैंने स्कूल टाइम में ट्राई किया था एक बार। हाँ पर मैंने, मतलब फिर यही है कि ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी स्मोक नहीं किया, तो ये तो गलत हो गया। और ये साड़ी वाला नहीं चलेगा भाई, ये कोई बात थोड़ी है। साड़ी की तुमने भी स्मोक नहीं किया तो इसलिए मैंने फिर, तो एक काम करना आप भी कमेंट करके बताना हमें, सोचो और पूरा दिन सोचो ऐसी कौन सी चीज है जो आपने कभी नहीं करी है लाइफ में। चलो ठीक है, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचो, आप लोग भी सोचो, मैं तो अपना बता दिया। आज ऑफिस से निकलते वक्त हो गया था मैं लेट, मुझे लग रहा था मैं सबसे लेट ऑफिस पहुंचूंगा और मैं सबसे पहले पहुंच गया हूं, कोई भी नहीं आया हुआ अभी तक। चलो जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय ऑफिस। हे गाइस ऑफिस खत्म कर दिया है, थर्सडे है आज,
फाइनली बहुत बहुत दिनों के बाद, मेरे ख्याल से मोर देन वन मंथ के बाद, मम्मी के इंडिया जाने के बाद पहली बार अब मैं मंदिर जा रही हूँ. आज तैयार हो गई हूँ, एमी को लूंगी पहले स्कूल से और फिर हम दोनों मंदिर जाएंगे. जहाँ आप रेगुलरली जाते हो ना, वहाँ आपका अपना ही एक सोशल सर्कल स्टार्ट हो जाता है. लोग आपको जानने लग जाते हैं, आपको पता होता है कि आप हर हफ्ते मिलोगे तो उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है. तो मैं एक महीने से अपना वो रिलेशनशिप जो मेरा मंदिर वाला है वो भी मिस कर रही हूँ. तो आज बड़े सारे लोगों से बहुत टाइम के बाद मिलना होगा, सत्संग के बाद बहुत सारी गपशप भी होगी, तो अच्छा लग रहा है यार काफी. ओ बड़ी धूप है भाई साहब, बहुत धूप है. अभी कुछ दिन पहले ना मैं किसी को कह भी दी थी कि ये मेरा ना कनाडा का अब तक का सबसे वार्म सितंबर है. वी आर एक्चुअली इन फॉल, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी समर चल रही है, जबकि हर बार इसका उल्टा होता है. हम लोग समर में होते हैं और फॉल वाइब्स आने लग जाती है, हवा चलने लग जाती है, ठंड शुरू हो जाती है. समर के लास्ट 10-12 दिन तो फॉल जैसे ही लगते हैं, और इस बार तो लग रहा है बिल्कुल ही उल्टा होएगा. फॉल के 10-12 दिन ऐसे तो लगेंगे ही लगेंगे, कम से कम कि जैसे कि ना समर है. बाकी इट्स कनाडा, पता नहीं चलता, यहाँ सुबह वेदर कुछ होता है और शाम को कुछ होता है. कल से ही अगर ठंड हो जाए तो यू नेवर नो, बट हाँ अभी तक तो मौसम बहुत अच्छा है. इतनी गर्मी है कि बच्चे अभी भी स्कर्ट्स डालकर और शॉर्ट्स डालकर स्कूल में जा रहे हैं. स्कूल से याद आया, आज एमी का पिक्चर डे भी था, बड़ी अच्छी सी बनकर गई थी सुबह, उसको मैंने तैयार करके भेजा था. तो देखते हैं उसका पिक्चर डे कैसा रहा. एमी, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग सो गुड टुडे. Oh, what happened? Good thing that my friend said that it would probably be able to wash off. Color लगा दिया है ना? Color लगा दिया ना? हर कपड़े पे, guys. Amy का ना कोई कपड़ा मुश्किल से मिलेगा इसके closet में जिसके ऊपर पेंट नहीं लगा हुआ होगा. ये इतना पेंट करती है कि इसके सारे कपड़ों पे पेंट लगा हुआ है. अच्छा सुनो मेरी बात, आपने टेम्पल जाना है आज की, आप टायर्ड हो, हम घर चले. टेम्पल पक्का? आप भी मिस कर रहे हो टेम्पल को? मम्मा भी मिस कर रही है. पक्का मिस कर रही हो ना? ओके चलो चलते हैं, सीधा चले यहाँ से ही, घर जाना है कुछ देर के लिए. एक कल आप स्कूल में छोड़ गए थे ना एक, है ना? एक ना आपको पता है इतने सारे लोग आपसे इतना प्यार करते हैं कि आज वाली वीडियो देखकर कितने सारे लोग तो एक्चुअली में रो पड़े कि एमा इतना फैट था, और वो बहुत वरिड है कि एमा ठीक भी है कि नहीं है. तो आप सबको बताओ कि आई ओके? यस आई एम ओके नाउ. आर यू हैप्पी? यस. गाइस थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए. बड़े सारे लोगों ने मुझे तो ये बोला है कि आपने टीचर से बात क्यों नहीं करी, ये कंफ्यूजन ही क्यों थी. तो मैं आपको बता दूं कंफ्यूजन थी क्या. कंफ्यूजन थी डे केयर वाले बच्चों के लिए. इनका स्कूल से पेपर आया था जिसमें लिखा हुआ था कि बच्चे 3:30 बजे अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद 4 बजे पेरेंट्स उनको लेकर आएंगे रन के लिए. अब उसमें ये नहीं लिखा था कि डे केयर वाले बच्चों को क्या होगा. आई अज्यूम्ड कि एमी को तो वापस आने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज 3:30 बजे जो बच्चे घर जाएंगे उनको वो लोग बुला रहे हैं ना 4 बजे. लेकिन एमी तो घर जाएगी नहीं, एमी स्कूल में ही होगी, तो एमी को वो डे केयर फिर टीचर्स ले जाएंगे. तो ये कंफ्यूजन थी कि डे केयर वाले बच्चों को कोई बाहर ग्राउंड में लेकर नहीं गया. तो सिर्फ एमी नहीं, एमी के साथ 3-4-5 बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स को सेम कंफ्यूजन थी और वो लोग भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे. तो इसमें टीचर्स ने कुछ बच्चों को था ना कंफ्यूजन, हम अकेले तो नहीं थे ना ये कंफ्यूजन वाले. अच्छा दूसरा, बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि एमी अगला रेस करेगी और उसमें अच्छा करेगी, तो ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी
कल ही रेस है के स्कूल में टेरी फॉक्स रन है ना रेस नहीं है टू रेस द मनी टेरी फॉक्स रन है हर साल होता है इनके स्कूल में वो है तो हाँ तो जो भी एमी ने रनिंग की प्रैक्टिस करी है वो कल यूज हो जाएगी तो रेस नहीं है ठीक है बट रन तो कर ही लोगे ना टेरी फॉक्स कौन है और मैंने आज अच्छे से पूछ ही लिया है और मैं आज पूछ कर आई हूँ भाई कि मैंने लेकर जाना है कि आप अपने आप लेकर जाओगे टेरी फॉक्स रन के लिए तो वो स्कूल टाइम के बीच में ही है स्कूल के बाद नहीं है तो टीचर भी लेकर जाएंगे तो कल तो मैं नहीं आऊंगी तो तू गुस्सा नहीं करेगी ना गुस्सा तो कल भी नहीं किया था सैड हुई थी बस बच्चा रोया था बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं किया था एमी ने ये मान जाती है गुस्सा कभी भी नहीं करती ये बच्चा हमेशा अंडरस्टैंड करता है सिचुएशन को हमेशा बोलती है इट्स ओके हां मैं जब भी इसको बोलती हूं ना सॉरी हमेशा कहती है एवरी सिंगल टाइम इमीडिएटली इट्स ओके मम्मा यू वर द वन हु टॉट मी हाउ टू सी इट्स ओके कोई भी सॉरी बोले तो आपको ऐसे ही कहना चाहिए इट्स ओके आप लेकिन आप नहीं कहते क्योंकि अगर मैं हमेशा इट्स ओके बोलती रहूंगी तो आप हमेशा वही गड़बड़ करते रहोगे इसलिए आप हमेशा ही ठोके बोलती हो फिर तभी तो मम्मा हमेशा गड़बड़ करती है चलो बेटा ऊपर चलो फोन का टाइम हो गया है अच्छा तुम क्या बोल रही थी शिल्पा तुम स्मार्ट शॉपर हो अभी तुमने वीडियो पे कमेंट देखा है तो ये मेरी सारी स्मार्टनेस ना फिगोरों पर चलती है मैंने चेक किया है गाइस आपको पता ना एमी को मैजिक मिक्सीज कितनी पसंद है और उसको हमने इतनी सारी मैजिक मिक्सीज लेकर दी हुई है बट हर बार होता क्या क्लेयर्स पे जाते हैं फ्री रिंग लेने वहीं से मैजिक मिक्सी उठा लेते हैं और क्लेयर्स में मैजिक मिक्सी मिलती है $25 की डिस्काउंट में आके कभी 20 की पड़ जाती है कभी 17-18 की पड़ जाती है कल भी जो लेकर आई हूँ 20 की लेकर आई हूँ अभी एक हमारी सब्सक्राइबर है रुचि शर्मा उन्होंने कमेंट किया कि शर्मा टॉय बर्फ पे खरीदा करो सेम यही मैजिक मिक्सी टॉय बर्फ पे $10 की है बिकॉज उन्होंने अपनी बेटी को कल परसों लेकर दी है और मैं टॉय बर्फ की वेबसाइट पे गई और मैंने चेक किया सही में टॉय बर्फ पे विदाउट सेल $15.99 की है विदाउट सेल मतलब क्लेयर्स पे $25 की है विदाउट सेल और अभी सेल चल रही है मैजिक मिक्सेस पे टॉय बर्फ पे तो वो $16 की $9.98 में मिल रही है मतलब आधे रेट का फर्क तो चलो वो तो मेरी लर्निंग है कि मुझे मैजिक मिक्सी टॉय बर्फ से खरीदना है बट गाइस ये एक और भी लर्निंग है कि कनाडा में ना कोई स्टैंडर्ड प्राइस मैच है ही नहीं जैसे इंडिया में एक MRP होता है ना हर चीज पे MRP लिखा होता है उसके ऊपर आप कहीं पे ही नहीं करोगे ये कॉन्सेप्ट कनाडा में नहीं है तो कोई भी कितना भी रेट लगा लेता है मतलब एक मैजिक मिक्सी क्लेयर्स ने डिसाइड किया कि मैं 25 की बेचूंगा तो क्लेयर्स 25 का बेच रहा है टॉय बर्फ 16 का बेच रहा था तो उसने बोला कि चलो डिस्काउंट लगाया था 10 का बेचूंगा तो टॉय बर्फ 10 का बेच रहा है तो ये सिर्फ एक आइटम पे नहीं सोचो ऐसे कितनी आइटम्स पे होता होगा तो आप कुछ भी खरीदो आगे से मेरे ख्याल से 3-4 स्टोर से चेक करना चाहिए हमें हाँ बोलो 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 पता भी मुझे क्या कह रही है टॉय सिर्फ इतनी सस्ती मिल रही है कल जाके बहुत सारी ले आते हैं चलो 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 नो वेस्ट टॉय तुम कहीं भी चढ़ जाती हो शिल्पा गिर जाओगी ये इतना ऊंचा रखा हुआ है आपने माइक्रोवेव क्या करूं उसको साफ करना होता तो ऐसे ही करना पड़ता है मुझे इतनी सी जगह बैठने के लिए एक काम कर सकती हो उससे वो गंदा नहीं होगा कभी उसमें कुछ गर्म मत किया करो ठीक है आप मत किया करो आप सबसे ज्यादा माइक्रोवेव यूज करते हो इस घर में चल ठीक है मैं नहीं करूंगा नीचे उतार दो इसको भी मैं अच्छे से कर देती हूं उतारता हूं एक मिनट उतारता हूं मेरे को नहीं अच्छा माइक्रोवेव को वो अपने आप उतर जाएगा उसको नीचे क्यों उतारना ये बता पहले तो अच्छे में वापस जाना ना मुश्किल से हो रहा है वैसे चलो उतरो मैं करता हूं साथ उतरो आप इतने अच्छे से नहीं करोगे अरे उतर जाओ आपकी सफाई और मेरी सफाई अलग है अरे मैं भी कर दूंगा वो रिम क्या होता है विम बार वाली सफाई कर दूंगा चलो आ जाओ वो मैं यहाँ पे लिक्विड बना रखा है मैंने घर डालकर नींबू डालकर डिश वॉश लिक्विड डालकर बड़ी चला कर दूंगा बड़े आराम से काम करवा लेती हूँ क्या मस्त बीवी है मेरी चलो हटो गाइस आज से एग्जैक्टली 8 दिन रह गए हमारे नवरात्रि इवेंट को
बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. मेरे फ्रेंड्स जगजीत ने, अविराज ने, पैमेला ने, लिपिका ने तो अपनी स्टोरीज डालनी शुरू कर दी है पुराने नवरात्रि इवेंट्स के, गरबा इवेंट्स के, और काउंटडाउन शुरू कर दिया. इंस्टाग्राम पे मैंने भी काउंटडाउन शुरू कर दिया. तो अगर अभी तक भी आपने अपना सीट रिजर्व नहीं कराया है प्लीज रीच आउट करो मुझे जल्दी से. बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे चिटचिट फैमिली मेंबर्स से मैं फिर से मिलने वाली हूँ जिनको सिर्फ कमेंट्स के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम चैट्स के थ्रू जानती हूँ. इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग इवेंट. चलिए अब बर्थडे शॉर्ट्स, दो बर्थडे बिलेटेड बर्थडे शॉर्ट्स है मेरे पास. 23 सितंबर को बर्थडे था रिधिमा का और 24 सितंबर को बर्थडे था अंशुल का. आई थिंक ये दो नाम मैंने मिस कर दिए थे. तो रिधिमा एंड अंशुल विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. गाइस मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना. बाय.